विदिशा जिले के गुलाबगंज स्वास्थ्य केंद्र में प्रताड़ना का एक मामला गरमाया है। यहां मुख्य चिकित्सा अधिकारी सवालों के घेरे में आ खड़े हुए हैं। महिला चिकित्सक डॉक्टर विभूति श्रीवास्तव ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी पर प्रताड़ित करने का बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने डॉक्टर कलबे के खिलाफ थाने में आवेदन भी दिया है और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने अपनी आपबीती जाहिर की। बता दें कि पूरा मामला गुलाबगंज स्वास्थ्य केंद्र का है जो कि विदिशा जिले में आता है। यहां पदस्थ महिला डॉक्टर ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी पर मानसिक प्रताड़ना और दबाव में काम करने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आज जो आपने थाने में आवेदन दिया है, क्या मामला है पूरा? सर एक्चुअली मैं डॉक्टर विभूति श्रीवास्तव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गुलाबगंज में मेडिकल ऑफिसर के पद पर जुलाई 2017 से कार्यरत हूँ। नियमित यहीं पर निवासरत रह के कार्यरत हूँ और मेरे साथ में जो अभी मार्च अप्रैल के दौरान जो खंड चिकित्सा अधिकारी 11 में आए हैं, पदस्थ हुए हैं, वो मुझ पे मेरे पे दबाव बनाते हैं। क्या नाम है उनका? डॉक्टर अब्बास कलबे जैदी। कलबे जैदी जी, कलबे अब्बास जैदी, वो मुझ पे जवाब बनाते हैं और मुझे गलत अपशब्दों का भी प्रयोग करते हैं और मेरे मुझे गलत काम करने के लिए प्रेशराइज करते हैं कि आप एक कहीं ये बिल पास कर दीजिए, कहीं ऐसा कहीं वैसा, या मैं देख लूँगा, मैं कर दूँगा। और मेरी झूठी कंप्लेन जो विदिशा जिला सरकारी जो मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य कार्यालय है वहाँ पर मेरी झूठी कंप्लेन पहुँचाते हैं। स्वयं ही मेरे साथ मुझे बोलते हैं कि ऐसा कर दीजिए और दूसरी चीज़ वहाँ पर जाके मेरी कंप्लेन करते हैं। जेएसआर टाइम्स के लिए विदिशा से अविनाश नामदेव की रिपोर्ट।